Good morning, everyone. Continuing with our next topic, scope or determinants of consumer behavior. Consumer behavior को हम और किस तरीके से define कर सकते हैं कि जो भी सारे psychological, social या physical behavior है potential customer का, as they become aware of, evaluate करना, परचेज करते हैं या कंज्यूम करते हैं और दूसरों को बताते हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो सब चीज़ें इंक्लूड होती है कंज्यूमर बिहेवियर में. कंज्यूमर जो है वो ह्यूमन बीइंग है और जो बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता, वो हमेशा चेंज होता है, जिसे हम डायनामिक कहते हैं. तो जो चेंज करते हैं, फैक्टर्स क्या हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करते हैं, उन्हीं फैक्टर्स को हम डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला है इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल. इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्क्रिशनरी इनकम, फैमिली इनकम, इनकम एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर लिक्विड एसेट्स, कंज्यूमर क्रेडिट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. सोशियोलॉजिकल में हम इंक्लूड करते हैं फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, ओपिनियन लीडर, सोशल क्लास, कल्चर को. साइकोलॉजिकल में हम इंक्लूड कर रहे हैं मोटिवेशन, परसेप्शन, इमेज, लर्निंग, एटीट्यूड, बिलीफ, पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल्स को. और पर्सनल में हम इंक्लूड कर रहे हैं एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, रोल एंड स्टेटस, फैमिली लाइफ साइकिल, स्टेजेस को. अब ये जब आप टॉपिक कर रहे हैं तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ये आपका पर्सनल खुद से रिलेटेड टॉपिक है. जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बाइंग डिसीजन, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन ले रहा है, कौन एक्चुअल परचेज करने जा रहा है, कौन उसको फाइनली कंज्यूम कर रहा है, तो परचेज करते हुए ये सभी फैक्टर्स को आप अपने आप इनैक्ट करते हैं कि वही चीज़ आप लेते हैं जो इन सब के अकॉर्डिंग आपको सूट करती है. तो जब हम इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं अपने खुद के एग्जांपल के साथ. और यही जो हमारे डिफरेंट कैटेगरीज हमने बनाई कि इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और पर्सनल, इन्हीं को हम थ्योरीज और मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी कह सकते हैं. जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं तो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंडर आ जाएंगे, सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स की. इकोनॉमिक जैसे वर्ड से ही क्लियर है कि वो फैक्टर जो रिलेट करते हैं मनी से. तो ये वो डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स होते हैं जो आपके मनी से रिलेटेड हैं और वो आपके जो बिहेवियर है उसे इफेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है आप उसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे. सबसे पहला जो है दैट इज पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बाइंग बिहेवियर पर किसी भी पर्सन के ऊपर, क्योंकि उसकी जो पर्सनल इनकम होगी उसी से उसकी परचेजिंग पावर बनती है, जिससे वो परचेजेस करता है. तो अगर आपकी खुद की पर्सनल इनकम में इंक्रीज हुआ है तो आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर पर्सनल इनकम इंक्रीज नहीं हुई है तो आप कम कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं. तो विद द इंक्रीज इन पर्सनल इनकम, जो आपकी स्पेंडिंग है ऑन हैबिट्स, कन्वीनियंस, कंफर्ट, स्टेटस सिंबल गुड्स, वो इंक्रीज हो जाती है. जैसे अगर आपकी पर्सनल इनकम इंक्रीज हुई है, आप कमाने लगे हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, तो आप अपने ऊपर ज्यादा खर्चा करना शुरू कर देते हैं. अपनी कन्वीनियंस, हैबिट्स की जो गुड्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा आप स्पेंड करना शुरू कर देते हैं. तो जैसे आपकी पर्सनल इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी जो स्पेंडिंग है वो भी इंक्रीज हो जाती है. द नेक्स्ट इज डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है वो अमाउंट ऑफ मनी जो कंज्यूमर के पास है स्पेंड करने के लिए. यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम जो हम ले रहे हैं, हम उस पार्ट को बोल रहे हैं जो आप के पास है स्पेंड करने के लिए या सेव करने के लिए सभी खर्चों के बाद, जिसमें आपने टैक्सेस पे कर दिए अपनी इनकम में से, डेब्ट कंट्रीब्यूशन दे दिया अपनी इनकम में से, उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है, अब वो सारा पैसा तो आप
स्पेंड नहीं करेंगे, उसमें से कुछ सेव भी करेंगे, तो जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें जो भी आपने स्पेंड करने के लिए और सेव करने के लिए रखा हुआ है, सारी लायबिलिटीज को पे करके अपना, उसे हम इंक्लूड करते हैं डिस्पोजेबल इनकम में। जितनी ज्यादा आपकी डिस्पोजेबल इनकम होगी उतना ज्यादा आपकी स्पेंडिंग हायर होगी ऑन कम्फर्ट्स एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स। द नेक्स्ट इज योर डिस्क्रिशनरी इनकम। डिस्क्रिशनरी इनकम का मतलब है वो इनकम जो अवेलेबल है आपको आफ्टर मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के ऊपर जो आपका खर्चा है, उन सब को खर्च करने के बाद जो एक्स्ट्रा आपके पास बच रहा है उसे हम डिस्क्रिशनरी इनकम कहते हैं। तो डिस्क्रिशनरी इनकम वो इनकम जो ओवर एंड अबव है रिक्वायर्ड, जो आपकी नेसेसिटी है मनी की आपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे करने के लिए या अपनी फैमिली की मिनिमम सस्टेनेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उसके बाद जो इनकम बचती है उसे हम डिस्क्रिशनरी इनकम कहते हैं। तो अगर आपकी डिस्क्रिशनरी इनकम में इंक्रीज होगा तो आपकी जो स्पेंडिंग है कंज्यूमर की वो भी इंक्रीज होगी, तो उन गुड्स पर, प्रोडक्ट्स पर स्पेंड कर सकता है जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सके, जैसे कूलर्स, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स, क्रॉकरी, फर्नीचर एसेट्रा। तो डिस्क्रिशनरी इनकम भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। देन नेक्स्ट इज फैमिली इनकम। फैमिली इनकम है सम टोटल इनकम का जो सभी फैमिली मेंबर्स की इनकम है उसका। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो जो भी सारे मेंबर्स हैं जॉइंट फैमिली के, उन सब के इनकम्स को अगर आप जोड़ेंगे तो वो फैमिली इनकम बनी। अगर न्यूक्लियर फैमिली है उसमें दो कमाने वाले हैं तो उन दोनों की इनकम को जब आप जोड़ेंगे तो वो फैमिली इनकम बनी। तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन फैमिली साइज, फैमिली रिक्वायरमेंट्स, फैमिली इनकम, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग बिहेवियर को जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके। देन नेक्स्ट इज इनकम एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर बिहेवियर इस चीज से भी इन्फ्लुएंस होता है कि फ्यूचर में जो इनकम एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की वो कैसी है। अगर जो इनकम एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की फ्यूचर में वो वीक है तो वो कम स्पेंड करेगा और ज्यादा सेव करेगा प्रेजेंट में। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका उल्टा, अगर जो इनकम एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की वो हाई है तो उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो ज्यादा खर्चा करे और कम सेव करे प्रेजेंट। तो इनकम एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ मैच्योरिटी ऑफ LIC पॉलिसी, पेमेंट ऑफ बोनस, ग्रेच्युटी, मैच्योरिटी ऑफ सेफ्टी बॉन्ड्स एंड NSCs एसेट्रा। देन नेक्स्ट आता है कंज्यूमर लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब होता है वो एसेट्स जो आपके पास कैश या नियर कैश की फॉर्म में है या बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज की फॉर्म में, जिसे आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। ये जो एसेट हैं वो हेल्प करती है कंज्यूमर को किसी भी तरीके की कंटीजेंसी को मीट आउट करने के लिए जो फ्यूचर में अगर अराइज होती है। तो जितनी ज़्यादा लिक्विड एसेट होगी कंज्यूमर के पास उतनी ज़्यादा उसकी करंट स्पेंडिंग्स होंगी। देन नेक्स्ट इज कंज्यूमर क्रेडिट। अगर जो अवेलेबिलिटी गुड्स की क्रेडिट पे हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट बेसिस या डेफर्ड पेमेंट, तो कंज्यूमर के लिए पॉसिबल हो सकता है कि वो परचेज करे उन गुड्स को भी जो जिनकी परचेज को अदरवाइज उसे पोस्टपोन करना पड़ता। तो जो कंज्यूमर क्रेडिट है वो इंक्रीज करता है कंज्यूमर की स्पेंडिंग को उन प्रोडक्ट्स के लिए जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करते हैं, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, टेलीविजन, बिग रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, इन्वर्टर एसेट्रा। तो जो मैन्युफैक्चरर और सेलर है वो सेल करता है ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को इसी टेक्निक का यूज करके, कंज्यूमर क्रेडिट देके कस्टमर को। देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसका इम्पैक्ट पड़ता है एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे जिसका कंज्यूमर यूज टू हो चुका है। अगर जो कंज्यूमर इनकम है वो किसी वजह से कम हो जाती है तो पर्सन के लिए डिफिकल्ट होता है वापस नीचे वाले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर एस्टैब्लिश होना। ऑन द अदर हैंड, अगर इनकम में राइज होगा तो
वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उससे ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करता है. देन नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट पॉलिसी. जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो भी इफेक्ट करती है कंज्यूमर बिहेवियर को. अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस लगा रही है तो कंज्यूमर के पास कम इनकम होगी स्पेंड करने के लिए, जिससे उसका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो इफेक्ट होगा. देन नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक कंडीशंस. इकोनॉमिक कंडीशंस अगर कंट्री की फेवरेबल है तो जो एक कंज्यूमर है वो एक्सपेंडिचर करेगा कंफर्ट्स और लग्जरीज पे, वो इंक्रीज होगा. अगर इन्फ्लेशन जो है वो कंट्री में प्रिवेल कर रही है तो जो गुड्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगी, तो जो बायर है वो अपने बाइंग बिहेवियर में चेंज करेगा और कम स्पेंड करेगा गुड्स के ऊपर. नेक्स्ट जो हमारा डिटर्मिनेंट है, दैट इज सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स. इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.